Okay, again I am here with an important topic of analytic and synthetic method in mathematics. Okay, so analytic method पहले हम लोग cover करेंगे. Actually जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है learner based approach. लर्नर बेस्ड अप्रोच का मतलब होता है एक लर्नर मतलब स्टूडेंट किस तरह सीखता है. ठीक है, तो स्टूडेंट दो तरीके से सीखता है. एक तो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड होता है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड होता है, और दूसरा होता है एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड. ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वी विल गो फॉर इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड. तो एनालिटिक सिंथेटिक मेथड पहले हमको कवर करना है. पहले हम उसमें से एनालिटिक मेथड कवर करेंगे, फिर सिंथेटिक मेथड कवर करेंगे. ठीक है, तो दोनों अलग अलग मेथड हैं, दोनों को अलग अलग सीखना पड़ेगा, दोनों के तरीके अलग अलग होते हैं. तो एनालिटिक मेथड क्या होता है, एनालिसिस. ठीक है, द वर्ड एनालिटिक जो है वो निकला है, वो एनालिसिस से निकला है. ठीक है, डिराइव फ्रॉम द एनालिसिस. एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, पार्ट्स में डिवाइड कर देना, अनफोल्ड कर देना. ठीक है, समझ आई बात ना. मतलब एक प्रॉब्लम है हमारे पास मैथ्स का, जिसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है. तो हम लोग उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, पहले पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद सेपरेटली उन पार्ट्स को देखेंगे, उसमें से कोई रिलेशनशिप निकलेगा, कोई हिडन एक्सपेक्ट होगा हमारी नज़रों के सामने जो नहीं आ रहा होगा, उसको हमको ढूंढना है. एक हिडन रिलेशनशिप निकाल ली उन पार्ट्स के बीच में, फिर उन पार्ट्स को ज्वाइन कर देना है. इस तरह हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा. ठीक है, तो जो अप्रोच होती है हम लोग की, वो कहाँ वो कैसी होती है, इसमें फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल. एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको हम लोग को ब्रेक कर देना है सिंपल सब प्रॉब्लम्स में. एंड फ्रॉम अननोन टू नोन, हम लोग को मालूम नहीं है वो सारे पार्ट्स के सॉल्यूशन, वो सारे पार्ट्स के सॉल्यूशन में से हम लोग को कुछ कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं, कुछ पैटर्न ढूंढना है, और उन सारे अननोन एलिमेंट्स को जोड़ के एक नोन सॉल्यूशन तक पहुंचना है. तो जो अप्रोच होगी वो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल की जो अप्रोच होगी क्या होगी, फ्रॉम अननोन टू नोन. ठीक है, देखिए हर मेथड में हमको अप्रोच जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, क्योंकि बेसिस वही है कि इस मेथड में अप्रोच कौन सा अप्लाई हो रहा है. तो ठीक है, अप्रोच किस कौन सा अप्लाई हो रहा है, फ्रॉम अननोन टू नोन का एंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल का. ठीक है, तो अब आते हैं नोट्स की तरफ. द वर्ड एनालिटिक डिराइव फ्रॉम द वर्ड एनालिसिस विच मीन्स टू ब्रेक अप और टू सेपरेट. इन दिस मेथड वन मूव फ्रॉम अननोन टू नोन बाय अडॉप्टिंग द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस. ठीक है, अननोन से नोन की तरफ जाना है. किस तरह जाना है, प्रॉब्लम को ब्रेक करना है, सब पार्ट्स में तोड़ देना है. ठीक है, अनफोल्ड कर देना है, खोल देना है. समझ में आ रही बात. एंड उन सब पार्ट्स के बीच में कुछ ना कुछ हिडन एस्पेक्ट होगा, कुछ ना कुछ हिडन पैटर्न होगा जो हमको ढूंढ के निकालना है. द प्रॉब्लम इज एनालाइज इन टू इट्स पार्ट्स, रिलेशनशिप इज डिस्कवर्ड. जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कवर करना है, उसको ढूंढ के निकालना है, एंड देन उसको इंटीग्रेट करके सारे पार्ट्स को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. समझ में आया. ठीक है, तो इन दिस मेथड वी ब्रेक अप द अननोन प्रॉब्लम इन टू सिंपलर पार्ट्स. कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को हम लोग सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड देन सी हाउ दिस कैन बी रिकम्बाइंड टू फॉर्म द सॉल्यूशन. ठीक है, और किस तरीके से उनको रिकम्बाइन करना है वापस से. क्या वो पार्ट था जिस जो रिलेश क्या बोलते हैं जो रिलेशनशिप बना रहा है, जो हिडन रिलेशनशिप है इन पार्ट्स के बीच में, जो कि सॉल्यूशन बना सकती हैं, उसको ढूंढना है, और बाकी सबको रिकम्बाइन करके फिर वापस से हमको एक सॉल्यूशन निकालना है. तो थॉर्नडाइक हम लोग को पता है कौन है. थॉर्नडाइक जो है बहुत ही महान एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे. उनका कहना था कि ऑल द हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द माइंड इज एनालिसिस. अगर इंसान का दिमाग कुछ बहुत अच्छा सोच सकता है, बहुत अच्छा कुछ कर सकता है, तो सारे अच्छे कामों में सबसे ज़्यादा अच्छा काम जो है वो एनालिसिस है. किसी प्रॉब्लम को सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना. तो यहाँ पे डिवीजन कॉन्क्वेयर डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर वाला फॉर्मूला लगता है, या रूल अप्लाई होता है. ठीक है, आप डिवाइड करो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है, इन दिस मेथड वन प्रोसीड फ्रॉम अननोन टू नोन, दैट इज स्टार्ट्स विथ व्हाट इज टू बी फाइंड आउट. क्या ढूंढना है, क्या निकालना है, देन थिंक ऑफ फ्यूचर स्टेप्स एंड पॉसिबिलिटीज विच मे कनेक्ट द अननोन विद द नोन एंड फाइंड आउट द रिजल्ट. ठीक है, तो क्या चीज़ जो है वो हमें अननोन से नोन की तरफ लेके चलेगी, ये कनेक्शन ढूंढना है, ये रिलेशनशिप ढूंढना है, एंड ऐसे ढूंढ ढूंढ के सारे पार्ट्स को एक लॉजिकल चेन में लगाते हुए चले जाना है, और वो चेन बन के पूरा आपका आंसर
बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, विच मे कनेक्ट द अननोन विद द नोन एंड फाइंड आउट द रिजल्ट, हियर ऑल द स्टेप्स आर कनेक्टेड विद अ लॉजिकल चेन। ठीक है, वन बाय वन आप सॉल्व करते जाओगे और एक चेन के फॉर्म में आपके सारे पार्ट जुड़ते चले जाएंगे और लास्ट में हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्विकली वी विल गो विद द स्टेप्स। ठीक है, तो ये स्टेप बहुत शॉर्ट में दी हुई है। एक्चुअली कोई भी एनालिटिकल मेथड जो होता है वो 9 स्टेप्स पे बेस करता है। ठीक है, ये 9 स्टेप्स बहुत ही मेन होते हैं। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मतलब क्या आपको ढूंढना है, क्या निकालना है, क्या करना है। ठीक है, वो आप ढूंढ के निकालो, वो आप जो है प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली वो आप फाइंड आउट करके निकालो। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज चूज एन अप्रोप्रिएट प्रोसीजर, ये की स्टेप है। की स्टेप मतलब इस यही आपके पूरे स्टेप्स की पूरी प्रोसीजर की जान है। चूज एन अप्रोप्रिएट प्रोसेस, एक अप्रोप्रिएट प्रोसेस, एक अप्रोप्रिएट तरीका, एक अप्रोप्रिएट मेथड जिसके थ्रू आप वो सॉल्व करोगे, वो मेथड आपको चूज करना है। ठीक है, तो ये की स्टेप है। उस मेथड को चूज, आपने मेथड चूज कर लिया, आपने प्रोसेस चूज कर लिया, एंड देन नेक्स्ट उस प्रोसेस को चूज करते हुए आपको हाइपोथेसाइज करना है, मतलब सोचना है, एक हाइपोथेटिकल आंसर बनाना है, एक हाइपोथेटिकल सोल्यूशन अपने प्रॉब्लम का बना के चलना है। ठीक है, देन उसके बाद आपने एक हाइपोथेटिकल सोल्यूशन बना दिया। ठीक है, ये मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है, हो सकता है ये नंबर जो है इस प्रॉब्लम का आंसर। सपोज लेट दिस बी द क्या बोलते हैं आंसर ऑफ दिस सोल्यूशन। नाउ हम लोग क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को लेते हुए एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो हम लोगों ने सपोज करके रखा है, एक डिज़ाइन करेंगे एक्सपेरिमेंट, देन उसके बाद परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। एक्सपेरिमेंट का आंसर जैसा आएगा उसके हिसाब से या तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे हाइपोथेसिस को, या रिजेक्ट करेंगे, या मॉडिफाई करेंगे। हो सकता है हमारा आंसर करेक्ट आ जाए तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हो सकता है हमारा आंसर रॉन्ग आए तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, नहीं भैया वन इसका आंसर नहीं है, हो सकता है इसका आंसर टू हो। ठीक है, हो सकता है इसका आंसर थ्री हो। तो बार 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 हमको ये स्टेप तब तक करनी है जब तक हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं हो जाता। तो रिपीट द स्टेप 3, 4, 5 अनटिल दी हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, जब तक आप सॉल्यूशन तक नहीं आ जाएगी, जब तक आप ठीक है उस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने तक नहीं पहुंच जाओगे, तब तक आपको वो रिपीट करते रहना। एक बार वो नंबर, एक बार वो सॉल्यूशन, एक बार वो वेरिएबल आपको मिल गया तो आपको क्या करना है, उस वेरिएबल को पुट करके पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ कर निकालना है, इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट आगे जब भी आपको मौका मिलता है तो आपको कंटिन्यूली जो है उसको क्या करना है, अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते चले जाना है और अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाने के लिए। ठीक है, तो ये 9 स्टेप्स थी एनालिटिक प्रॉब्लम्स की। तो इसमें जो हम लोगों ने देखा सबसे मेन जो थी, चूज एन अप्रोप्रिएट प्रोसेस, एक बहुत ही बढ़िया सा मेथड निकालना है उसको सॉल्व करने के लिए, ये की स्टेप है। ठीक है, तो वो मेथड, वो तरीका, वो जो आप मेथड चूज़ करोगे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मिनिमली मिनिमली मतलब कम से कम वो प्रोसेस क्या करना चाहिए, तो ये चार काम करना चाहिए वो प्रोसेस। सबसे पहले तो वो प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर देना चाहिए इनटू राइट सब पोर्शंस। ठीक है, सब प्रॉब्लम्स, राइट सब प्रॉब्लम्स, कहीं से भी तोड़ना जो नहीं है, ब्रेक नहीं करना है। कुछ मेथड होंगे ब्रेक करने के, कुछ पॉइंट्स होंगे जहाँ पे वो प्रॉब्लम ब्रेक हो रहा है तो वहीं से हमको ब्रेक करना है। देन फाइंड द रूट कॉज ऑफ ईच सब प्रॉब्लम, मेन हर सब प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पर है, उस जड़ को मुझे ढूंढ के निकालना है। रूट कॉज मतलब होता है जो मेन इशू है उसको मुझे ढूंढ के निकालना है। थर्ड वन इज फाइंड द हाई लिवरेज पॉइंट ऑफ रिजॉल्विंग ईच रूट कॉज। ऑब्वियसली मुझे वो जड़ मिल गई है, मुझे वो क्या बोलते हैं पॉइंट मिल गया है जहाँ जो सब प्रॉब्लम की जड़ है, जो सब प्रॉब्लम जिसकी वजह से हो रही है। ठीक है, तो मुझे वहाँ तक तो पहुँच गई हूँ मैं, अब वहाँ से वो कैसे रिजॉल्व होगा वो पॉइंट निकालना है। देखो हाई लेवरेज पॉइंट किसको कहते हैं, आर्किमिडीज एक बहुत ही बढ़िया सा बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन था, उसने बोला कि गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड विथ अ लीवर आई विल मूव द वर्ल्ड, मुझे एक जगह दे दो खड़े रहने के लिए, खड़े रहने के लिए, और मेरे हाथ में एक लीवर दे दो, ठीक है मैं दुनिया को हिला दूंगा, मैं दुनिया को मूव कर दूंगा। मतलब एक लीवर से, सिर्फ एक जो लीवर होता है जो क्या बोलते हैं नट बोल्ट खोलने वाला, सब खोलने वाला, या गाड़ी सही सही करने वाला, ये करने वाला लीवर जो टूल होता है, ठीक है उसको लीवर कहते हैं। तो वो प्रॉब्लम में वो सब पार्ट में हमको वो पॉइंट ढूंढ के निकालना है, हाई लेवरेज पॉइंट, जहाँ से हम थोड़ा सा भी चेंजेस करें तो पूरे उसमें चेंजेस हो जाए। तो अगर हमको वो पॉइंट मिल गया, वो पॉइंट मिल गया मतलब हम लोग जो है उस पॉइंट से हम लोग उस पूरे सब पार्ट्स का प्रॉब्लम निकाल, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वो सब पार्ट सारे सॉल्व हो गए तो हम लोग कंबाइन करके वापस से वो सिस्टम
बना सकते हैं। तो फाइंड द सॉल्यूशन फॉर पुटिंग ऑन द हाई लिवरेज पॉइंट, आप सॉल्यूशन ऐसे फाइंड आउट करो कि आगे वो लिवरेज पॉइंट और बढ़ता रहे, यहाँ पे सॉल्व हुआ फिर यहाँ सॉल्व हो फिर यहाँ सॉल्व हो फिर यहाँ सॉल्व हो, आखिरकार लास्ट में वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सारा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जब सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो उसको इंटीग्रेट करके कंप्लीट प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। तो दीज वेर दी स्टेप्स ऑफ एनालिटिकल मेथड्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल दूंगी, इसी स्टेप्स को रख के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स थी।